गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर 11th क्लास केमिस्ट्री लेसन 5। वी वर डिस्कसिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें कि हमने डिफ्यूजन लॉ किया था लास्ट टाइम, डाल्टन्स डिफ्यूजन लॉ, कि गैस जब एक दूसरे के अंदर मिक्स होती है किस तरह से बिहेव करती है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। आज हम करने वाले हैं कि जो आपके काइनेटिक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, मतलब इसके अंडर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स और बहुत सी चीज़ें ऐसी स्टडी करेंगे। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह से मूव करते हैं जब उन्हें मिक्स कर देते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तब क्या फ़र्क पड़ता है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट पर, वो सब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में स्टडी करेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में माना गया है कि जो गैस है वो क्या है, आइडियल है। वो क्या है, आइडियल है। तो यानी कि आइडियल गैस में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, जो मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम है, जो मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम है वो बहुत बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू कंटेनर। तो हम कंटेनर की जो वॉल्यूम है उसको कंसीडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट था वो क्या है हमारा, कि जो इनके अंदर इंटरैक्शन होती है, इंटरैक्शंस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, क्या हैं, आर नेग्लिजिबल हैं। और थर्ड वन इज कोलिजन्स, थर्ड वन इज जो मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज जो उनके बीच में कोलिजन्स होती हैं, कोलिजन्स यानी कि टकराव, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, दैट इज कोलिजन, बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स इज इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स when they collide with each other they do not lose their energy remain same, means दो particle जब आपस में टकराते हैं, जैसे हम, जैसे दो इंसानों की आपस में टक्कर हुई बहुत तेज़, वो गिर जाते हैं ना, बहुत देर बाद उठ पाते हैं, उन्हें चोट भी लग जाती है, मींस उनकी एनर्जी जो है वो लॉस हो गई है कुछ ना कुछ। लेकिन इस ये जो आइडल गैस है इसमें क्या है, इसमें जो कोलिजन है इनकी इलास्टिक है, मींस कोलिजन के टाइम पर कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। ठीक है, दैट इज इलास्टिक, वो जैसी थी वैसी ही है। तो फिफ्थ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है जो आपकी मूवमेंट की वजह से, जब हम मूव करते हैं तो जो एनर्जी हमारे अंदर जनरेट होती है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी बिकॉज ऑफ द मूवमेंट। जब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनके अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक बिकॉज ऑफ मूवमेंट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स After collision, ठीक है, before collision and after collision, collision से पहले, collision के बाद की जो kinetic energy है that is equal। तो इसी को तो तभी तो ये जो collision है इसको elastic बोला गया है, energy loss नहीं हो रही है। तो kinetic theory में जो gas हमने ली है उसके ये सब assumptions माने गए हैं। ठीक है, अब जो ये होता है आपका इसका kinetic एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या मानी गई है, 1/3 1/2 mv² तो ठीक है काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो आपकी क्या है mv² 1/3 mv² और n लगा दिया नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके गैस में। और वी क्या है? आर एम एस। वी आर एम एस क्या होती है? वेलोसिटी विच इज़ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है ये? जब आपके पार्टिकल्स हैं, जैसे गैस में पार्टिकल्स हैं, गैस में एक पार्टिकल उसकी वेलोसिटी 1 है, दूसरा पार्टिकल उसकी V2 है, तीसरा उसकी V3 है, फोर्थ है दैट इज़ V4 है उसकी एनर्जी, ठीक है। अब जब हम इसकी ये निकालते हैं, मीन वेलोसिटी निकालते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं? वी आर एम एस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 VN तक और डिवाइडेड बाय N, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके गैस में प्रेजेंट हैं। वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। इसकी डेरिवेशन है जो आपके सिलेबस में नहीं है इस साल, ठीक है। 1/3 NmV स्क्वायर RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। ये आ गया आपका RMS आ गई और ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब हम इसके ऊपर आइडियल गैस इक्वेशन अगर लगा दें आपकी, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, जैसे कि तो क्या होगा आपका, आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जो आप 9th क्लास से करते आ रहे हैं, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर हम हाफ एम एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। वी में हम लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्योंकि हम बहुत सारे पार्टिकल के लिए ले रहे हैं। अब देखिए ये इक्वेशन थी आपके पास 1/3 PV इज इक्वल टू 1/3 N MV RMS स्क्वायर। ये RMS थोड़ा छोटा लिख लो, ठीक है। ये थी आपके पास, ये काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपकी एनर्जी आ रही थी, ठीक है। और ये PV इज इक्वल टू 1/3 NmV स्क्वायर। अब इसको अगर हम इस साइड ले आएँ, PV इज इक्वल टू, ये आपकी आइडियल गैस की इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, तो यहाँ पर आप PV लिख सकते हैं, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 अगर हम इधर ले आएँ, यहाँ 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, NmV स्क्वायर RMS, ठीक है। अब NmV स्क्वायर देखिए ज़रा, NmV स्क्वायर ये है, इसकी वैल्यू उठाकर हम यहाँ पुट कर दें तो कितना आएगा, हाफ 3 PV आ गया, हाफ 3 PV आ गया। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है आपकी, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, ये क्या है आपकी, क्या है ये, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT। N क्या है, 1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि अगर हम पर मोल निकालनी है हमारी PV की वैल्यू, तो RT आएगी पर मोल, यानी कि एक मोल अगर पर मोल यानी 1 मोल के निकालनी है तो PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है, इफ़ N इज 1। तो यहाँ पर हम PV की वैल्यू पुट कर दें, हाफ कितना आएगा, 3 PV था ना हमारा, RT पुट कर दें यहाँ पे, हाफ 3 RT, हाफ 3 RT, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ गया, हाफ 3 या फिर 3/2 लिख लो RT, ठीक है, 3/2 RT। ये क्या है, पर मोल काइनेटिक एनर्जी, मतलब एक मोल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT है। और अगर पर मॉलिक्यूल निकालना हो हमें, क्या निकालना हो हमें, पर मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, मॉलिक्यूल्स अगर आ जाता है तो क्या कंसीडर हो जाता है, क्या दिमाग में आता है आपके, मॉलिक्यूल्स आता है तो हमारे माइंड में आता है एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे 3/2 RT ये पर मोल के लिए है एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपकी,
एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल के लिए, पर मोल की ये है। और मॉलिक्यूल की अगर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 3/2 आर एन ए एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये पर मॉलिक्यूल आ गई, ठीक है। कई बार 1 मार्क्स में आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में आते हैं ये, ठीक है, कई बार आ जाते हैं, 3/2 आर एन ए टी। अब ये जो आर बाय एन ए है, आर बाय एन ए इज इक्वल टू के बी, जिसको हम क्या कहते हैं, बोल्ट्समैन कांस्टेंट। बोल्ट्समैन ने इसकी वैल्यू दी थी इसलिए इसको बोल्ट्समैन कांस्टेंट बोला जाता है। क्या वैल्यू होगी, आर बाय एन ए। तो पर मॉलिक्यूल हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3/2, एक सेकेंड अब दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, पर मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितनी है, 3/2 के बी टी। ये क्या है, पर के बी, इसके शॉर्ट के बी टी, ये वाला पर मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या है ये, पर मॉलिक्यूल। और अगर 3/2 आर टी है तो वो क्या आ जाएगा, पर मोल, यानी कि एक मोल की एनर्जी आपकी क्या आ जाएगी, पर एक मोल की एनर्जी 3/2 आर टी। और अगर पर मॉलिक्यूल की निकालनी है, 3/2 के बी टी वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।